The song for our film Georgia, and it's a remix of the old song, and we are in the song dancing. कोई खास वजह इस song को shoot करने Well, it's the subject of our film, obviously, Georgia, and you know, it's all about living life to the fullest. Yeah. So that's, I think, the spirit of the song, very like energetic and. Yeah. It's a slice of life film, so happy. It's a happy song. आप भी कुछ बोलो ना अरसलाम. हाँ, this is, I think, this is more of reimagining the song than, you know, remixing it or anything like that. It's a new take on the song, and it was fun doing it. Hot but fun. Hot as in garmi. हाँ. नहीं नहीं hot भी होगा शायद hopefully. लेकिन हाँ. लेकिन हाँ आज बहुत गर्मी है. Okay, you know काफी अच्छा response है अब तक का film को लेकर. You know do you get nervous or excited? You know the response is really cool. No, I get happy. I mean I like that we've done something fresh and fun. And I'm excited to see what people will think of it. ऐसी film काफी time से मैंने नहीं देखी या तो फैमिली ड्रामास होते हैं या क्राइम थ्रिलर होता है या बिल्कुल शादी टाइप की फिल्म होती है तो इट्स नथिंग लाइक ट्रैवल और ऐसा फन फ्रेंडशिप टाइप की फिल्म काफी समय से नहीं देखी वेरी वेरी यंग फिल्म ओके यंग जिया और जिया आप जो किरदार जिया का निभा रही हैं यू नो बहुत फुल ऑफ लाइफ है मन लविंग है वे यू नो रीचा ऑन अदर साइड बहुत सड़ियल हां हां खड़ूस है वो पता नहीं कभी कभी हाँ लगता है मैं वैसे ही हूँ काफ़ी पागल लेकिन आई थिंक दैट आई डोंट नो इफ आई एम एज क्रेजी एज दिस जिया और देयर सम ट्विस्ट्स एंड टर्न्स जो मैं नहीं बता सकती हूँ फिल्म में बट वन थिंग इज ट्रू दैट मैं एक पंजाबी लड़की प्ले कर रही हूँ और ये एक तमिल लड़की तो वी वर हेल्पिंग ईच अदर आउट आई वॉज टीचिंग अ तमिल अंडर ए कड़ोले शी वॉज टीचिंग मी Small life. Like मक्खन मलाई यू नो आप क्या कहना चाहेंगे जो किरदार आप निभा रही हैं जिया क्योंकि हम जितना हम आपको जानते हैं आप बहुत हम पे भी बड़े कहते हैं जो आप कुछ करता है तो अच्छा हम सब और बड़ा ये लाइन ऑफ फायर में आ चुके हैं जो किरदार आप निभा रही नहीं मैं नहीं मैं भड़कती नहीं हूँ एक्चुअली मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ मुझे जो मुंह पे आता है वो बोल देती हूँ तो आप लोग भी कम थोड़ी ना है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड होने का ये नुकसान होता है लोगों को लगता है और कि आप थोड़े गुस्से वाले हैं और खासकर आप अगर ऐसे फुकरे टाइप के कैरेक्टर उससे एक इमेज बन जाती है तो मैं वैसी हूँ नहीं बट दिस बहुत प्यारी है एक्चुअली बहुत प्यारी सबसे स्वीट यही है बहुत प्यारी है बहुत स्वीट है नो बट इसमें मुझे मज़ा आया क्योंकि काफ़ी रिजर्व्ड और शांत और थोड़ा पॉश टाइप का कैरेक्टर है उसका थोड़ा स्नॉबिश और कल्कि का जो कैरेक्टर है जो जी आई ए प्ले कर रही है उसको जज करता है कि वो उसके कैसे कपड़े हैं कैसे बात करती है उस टाइप का तो मुझे मज़ा आया करने में तब ऐसी लड़की करने में मुझे मज़ा आया यार एक्चुअली इमेजेस आर सेल्फ मेड अब ना इट्स नॉट माय प्रॉब्लम कि पीपल डोंट रिमेंबर मसान एंड दे ओनली रिमेंबर फुकरे मैंने तो दोनों तरह की फिल्में की तो जो ऑडियंस अपने दिमाग में जो डाल देती है उससे उनकी एक इमेज बन जाती है मैंने दूसरे भी तरह का काम किया वो आप कोई याद नहीं रखना चाहता तो मैं क्या करूँ तो इसमें कोई कॉन्शियस स्ट्रैटेजी नहीं होती जैसी फिल्म आती है आप उसे करते जाते हो और